गाइस ये है मेरी खुद की बनाई हुई क्रिएट की हुई मैस्टिफ ब्रीड। ये रेयर ब्रीड है जो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है। एग्जोटिक कलर है इसका, इस कलर को हम बोलते हैं मरले। अच्छा, ये मरले शेड होती है। तो भाई ये देख रहे हो, तो काफी कम डॉग्स में देखने को मिलेगी। ये जो है ना, जो ये हाथ में हम ले रखा हमने, कितने पीस है ये? ये अभी हमारे पास बस चार ही हैं, एक मेल तीन फीमेल। ये दुनिया में बस चार पीस है। क्या नाम रखा है ब्रीड का? शैडो मैस्टिफ। शैडो मैस्टिफ, राहुल भाई फाउंडर है इसके। और भाई काफी बढ़िया है और कलर भी काफी ज्यादा एग्जोटिक है। ओपन कराने के बाद कुछ ऐसी लुक आएगी इसकी। हाँ, ड्रूपिंग ईयर्स हो जाएंगे इसके, खड़े होंगे ना कान इसके। अच्छा, और ये भी साइज भी काफी अच्छा जाएगा इसका। हाइट इसकी एक्सल से ज्यादा जाएगी। अच्छा, एक्सल से ज्यादा? हाँ, एक्सल से ज्यादा जाएगी। अभी मासूम दिख रहे हैं, फिर खुद खतरनाक हो जाएंगे, यही देखना। पाउच देखिए आप अभी से, हाँ ये 40 दिन का है। हाँ, अभी से इसके पाउच देख सकते हो आप, काफी स्ट्रॉन्ग है, बोन्स काफी हैवी, ये आप देख सकते हो, देख रहे हो 40 दिन का बच्चा है। ये प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बनाई है, किसी और के पास पूरी दुनिया में नहीं है। ये तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन मैस्टिफ्स का है, डॉग अर्जेंटिनो, कोर्सो और ग्रेडिंग। इन तीन ब्रीड्स का ये कॉम्बिनेशन है। ये आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि ये मिक्स ब्रीड है ये और वो है, ये कुछ नहीं होता। दुनिया में जो भी ब्रीड होती है ना, सब मिक्स होके बनती है। जैसे पिटबुल देख रहे हो आप, ये सारी ऐसे ही बन रखी है। जो भी बस ब्रीड होती है वो एक रिकॉग्नाइजेशन की बात होती है। हाँ, अगर मेरी ब्रीड को कोई कैनल क्लब रजिस्टर कर देता है तो ये भी एक ब्रीड रजिस्टर हो जाएगी, ये भी एक ब्रीड बन जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर रजिस्टर नहीं होती है तो इसको लोग मिक्स बोलेंगे, दोगला बोलेंगे। हाँ, बस रजिस्टर होने की बात है। रजिस्टर होने की बात, रजिस्टर होगी तो ब्रीड, नहीं तो दोगला बोलते हैं लोग। हाइब्रिड होती है, और हाइब्रिड जो है वो जेनुइन ब्रीड से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, उनसे ज्यादा उनकी लाइफ भी ज्यादा होती है, लाइफ स्पैन भी ज्यादा होती है। अच्छा, तो ये हाइब्रिड है? हाँ, ये हाइब्रिड है। स्ट्रक्चर दिख रहा है भाई वीडियो में, काफी छोटे दिख रहे हैं पर असलियत में ये पिल्ले बहुत बड़े हैं भाई, देख सकते हो साइज। और ये भी 40 दिन का पप्पी है, अभी आप जब इसको साल भर का हो जाएगा तब आप देखना इसको। अच्छा, कैसा बनेगा।